गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज आवर मैथ क्लास। टुडे वी विल लर्न अबाउट असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स राइट द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, मीन्स स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। हम लोगों को स्मॉल से बिग की तरफ जाना है। यहाँ पे एक स्केल बनी हुई है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 10 तक, है ना। अब यहाँ पे हम लोग 2 नंबर लेते हैं, 3 एंड 4। अब हम लोग इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन स्मॉल है या कौन सा नंबर बिग है। तो इसमें देखिए 3 पहले आया है तो 3 स्मॉल नंबर है, 4 से पहले क्या है 3, तो 3 पहले है तो स्मॉल क्या है, सॉरी 3 कौन सा नंबर है, स्मॉल नंबर, और 4 कौन सा नंबर है, उससे बिग है, तो हम लोग ऐसे 4 लिख दिए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, 3, 2 एंड 6, है ना। तो इस स्केल में देखते हैं 2 पहले आता है, तो यहाँ पे पहले हम लोग 2 राइट करेंगे, उसके बाद में ऐसे कट कर देना है जिस नंबर को लिख लिया, उसके बाद में 3 देखते हैं, 2 के बाद क्या है 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और 3 ऐसे कर देंगे। अब लास्ट बच गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। इस तरह से जो नंबर पहले आते हैं वो स्मॉल नंबर है, और जो उसके बाद ऐसे करके बढ़ते जाएंगे वो बिग नंबर है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3, 1, 5, 7 एंड 4, है ना, 3, 1, 5, 7 एंड 4। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्मॉल है और कौन सा बिग है, क्योंकि हम लोग को स्मॉल टू बिग, है ना, स्मॉल से बिग की ओर जाना है। तो 1 पहले आता है तो हम लोग यहाँ पे काउंटिंग तो सबको याद है ना, तो 1 पहले आता है तो यहाँ पे 1 लिख दिए पहले, और इसे हम लोग ऐसे कट कर दिए। उसके बाद में 1 के बाद 2 तो नहीं है इसमें, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो हम लोग इसको उसके बाद में फिर 3 राइट करेंगे और 3 को ऐसे कट कर देंगे। 3 के बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है 4, तो हम लोग इसे 4 लिख देंगे और 4 को कट कर देंगे। 4 के बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है 5, तो 5 लिखेंगे और 5 ऐसे कट कर देंगे, और लास्ट में बच गया आपका 7, तो ये 7 आपका बिग हो गया, है ना। इस लाइन में देखिए स्मॉल, फिर उससे बिग, 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 ऐसे बढ़ते हुए हम लोग जाना है स्मॉल से बिग की ओर। ओके, सो थैंक यू।